कांग्रेस ने देश को समस्याएं ज्यादा दी। ये जो आतंकवाद की समस्या है, अलगाववाद की समस्या है, नक्सलवाद की समस्या है, या फिर जो भी भ्रष्टाचार की समस्या है, ये सब कांग्रेस की देन है। कांग्रेस समस्या देती रही है। मोदी जी ने 9 वर्ष के अंदर इन समस्याओं के समाधान का रास्ता निकाला है, इनका रास्ता निकाला है। आतंकवाद की समस्या धारा 370 के माध्यम से कांग्रेस ने दी, मोदी जी ने कश्मीर से धारा 370 को सदैव के लिए समाप्त करके एक समाधान दिया। कांग्रेस ने विकास में बैरियर खड़ा करके लोगों को योजनाओं से वंचित किया, मोदी जी ने हाईवे, रेलवे, एयरपोर्ट, मेट्रो, रैपिड रेल और नए नए यातायात के अन्य नए साधन उपलब्ध करवाने के कार्य किए। कांग्रेस गरीबों को, वंचितों को योजनाओं से वंचित करती थी। देश के विकास में भारत के सभी लोग योगदान दे रहे हैं, लेकिन कांग्रेस के नेता तब कहते थे कि देश के संसाधनों पर पहला अधिकार मुसलमानों का है। मोदी जी ने तो एक बात कही कि देश के संसाधनों पर पहला अधिकार गरीब का है, किसान का है, नौजवान का है, महिलाओं का है। और मोदी जी ने नारा दिया, सबका साथ सबका विकास।